हेलो गाइस, मैं हूँ श्याम। गाइस, आज की वीडियो बड़े इंटरेस्ट की होने वाली है और बहुत ही मजा आने वाला है। तो गाइस, मैं बनाने वाला हूँ बाटा वाटर में। तो गाइस, इस वीडियो में जानने के लिए बने रहिए, आगे तक चलते हैं वाटर बोट बनाने के लिए। तो गाइस, मैं कर लेता हूँ जब तक अपना पूरा सेटअप। तो गाइस, मैंने कर लिया है अपना पूरा सेटअप। मुझे चाहिए एक कटर, थर्माकोल, फुटा और एक मोटर, जिसमें मैंने पहले से ही पंखड़ी सेट कर लिया है, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। और ये एक बैटरी, जो मोबाइल बैटरी लिया है मैंने, और चिपकाने के लिए ग्लू गन। तो सबसे पहले मैं गाइस इस थर्माकोल को मैं कटिंग करूंगा। इसको मैं पहले नाप लेता हूँ। अब इसमें हम इस तरह से राइट फाइनली ये मैंने काट लिया है। इसको हम साइड में रख देंगे। ये मैंने एक फुट का लिया है और इसे, तो गाइस अब हम इसे 18 इंची का ले लेंगे। इसे हम 18, 12 इधर से भी ले लेंगे। अब इसे गाइस हम इसे कट कर लेंगे फटाफट से। तो भाई हमारा ये 12 बाई 18 इंच का हो गया है। आप देख सकते हैं। अब इसको हम इसे बोट का आकार देंगे दोनों साइड से इस तरीके से। इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं। तो यहाँ से ले लेंगे 10 इंच। तो भाई सर इसे हम 10 इंच ले लेंगे। 10 इंच इधर से ले लेंगे। अब इसका बराबर ले लेंगे, ये हमारा ये फुटका था, तो इसे हम 6 इंच ले लेंगे यहाँ से। ये भी 6 इंच हो गया और इसे ले लेंगे 6। तो गाइस अब इसे हम काट देंगे कटर से। तो गाइस बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो में, तो हमारे साथ बने रहिए अगर आप नए हैं तो चैनल। तो गाइस मैंने ये यहाँ पे फाइनल काट लिया है, देख सकते हैं। तो अब मैं इसका वो बनाऊंगा। इस तरह से वो तो इस तरह से बनाएंगे अच्छे से, ताकि हमारा ये और भी लोगों अच्छा लगे। इसे हम मॉडिफाई करते हैं। तो गाइस इसको हम चिपका लेंगे ग्लू गन से। इसको हम चिपकाते हैं। अच्छे से चिपका लेंगे। इस तरह से इसको हम जल्दी से चिपका लेंगे। इस तरह से मैं रहा हूं। तो गाइस आपको ऐसे ही चिपकाना है। अभी इसको भी ऊपर से चिपका दूंगा ताकि हमारा और भी अच्छा लगे। गाइस ये हमारा आगे का हिस्सा तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं किस तरह से। अब मैं इस पीछे का और भी हिस्सा है इसे साइड में रख देते हैं।
हम ले लेते हैं इसमें से। तो भाई इसको हम दो दो इंच पर निशान लगा लेंगे। आपको भी दो इंच पर निशान लगा लेना है। इसको हम कटर से काट देंगे। से काट लेता है, इसे हमने काट लिए हैं, इसे साइड में रख देते हैं, इसे अंदर ले लेते हैं। तो गाइस हम इसको थर्माकोल को जो हमने काटे हैं इसको हम करे पे लगाएंगे। इसको हम इस तरह से जो तिरछा काटेंगे, तिरछा काट के हम इसमें फिक्स कर लेंगे ताकि हमारा और भी अच्छा लगे। इस तरह से काट लेना है आपको तिरछा ताकि हमारे जो सही से कट जाए। अगर आप वैसे काटोगे तो गलत भी हो सकता है, आपको ऐसे रख के तो आपको काट लेना है। देख सकते हैं इस तरह से काट के आपको लगा लेना है। तो गाइस अब मैं हमारे ये सही से कट गया है, अब इसे ग्लू गन से हम चिपकाएंगे अच्छे से। ग्लू गन से हम तीनों को तिरछा काट कर तो तीनों को हम साइड से लगा लेंगे अच्छे से। अब देख सकते हैं किस तरह से मैं ये चिपका रहा हूँ। तो गाइस फाइनली ये मेरा चिपक गया है एक। अब हम दोनों को एक साइड से और पीछे साइड से इन दोनों को हम अच्छे से चिपका लेंगे। तो गाइस मैंने ये फाइनली ये तीनों ये चिपका लिए हैं। ये देख सकते हैं इस तरह से मैंने चिपकाया है। तो इसे हम और मॉडिफाई करते हैं ताकि हमारा और अच्छा लगे। सबसे पहले मैं इसमें मोटर के लिए इसमें वो कर लूँगा मैं स्लॉट ताकि हमारे अच्छे से ये मोटर लग जाए। तो गाइस इसमें स्लॉट करना है हमें मोटर रख के निशान लगा कर। निशान लगाने के बाद में स्लॉट होने के बाद में इसमें मोटर को हम देखेंगे कि ये हमारी मोटर सही से लगी है कि नहीं। तो गाइस ये हमारी मोटर अड़ रही है, हम इसको और भी काटेंगे। काटने के बाद में हम इसमें मोटर को फिर से देखेंगे कि हाँ लगी है कि नहीं। तो गाइस हमारी मोटर सही से लग गई है। अब इसके चारों ओर हम थर्माकोल को लगाएंगे ताकि हमारी बाहर पानी ना निकले। इस तरीके से हम थर्माकोल को लगा लेंगे फाइनली। तो गाइस मैंने ये फाइनली ये चिपका लिया है, आप देख सकते हैं चारों ओर ताकि ये हमारा पानी ना निकले। और मैं इस बैटरी के लिए एक स्टैंड रखूँगा ताकि ये बैटरी हमारी अच्छे से उसके ऊपर रख जाए। इसमें हम बैटरी के स्टैंड को हम चिपका लेंगे अच्छे से। चिपकाने के बाद में हम इसमें एक और थर्माकोल को चिपकाएंगे ताकि हमारा जो पानी ऊपर की तरफ ना जाए। अब इस बैटरी को देखते हैं हम कि हमारा ये सही से रखा है कि नहीं। तो ये हमारा सही रखा है। तो अब इस बैटरी को हम अच्छे से चिपका लेंगे। बैटरी को चिपकाने के बाद इसको हम चेक करेंगे ताकि ये हमारी मोटर और बैटरी ये हमारा काम कर रहा है या नहीं। तो हम इसको हम चेक कर लेंगे। इसमें हम चेक करते हैं डाल लगाकर कि ये हमारा ये चल रहा है कि नहीं।
गाइस ये फाइनली ये चल रहा है, आप देख सकते हैं किस तरह से ये चल रहा है। तो गाइस वीडियो बहुत काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं इसे कल लॉन्च करूंगा। इसमें बहुत ही ज़्यादा काम बचा है और इसे अच्छा दिखाने के लिए मैं और भी मॉडिफाई करूंगा। तो गाइस मैंने ये फाइनली ये बना लिया है और मॉडिफाई भी कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो एक बार मैं आपको बता दूं मैंने इसमें क्या क्या मॉडिफाई करा है। तो सबसे पहले मैं ये अपने जो इंडिया का तिरंगा है वो मैंने इस पर बना के लगाया है ताकि हमारा इंडियन दिखे। और यहाँ पे आर्मी लिखा है और ये दोनों साइड में मैंने आंखें बना दी हैं और इधर ये मुंह बनाया मैंने ताकि हमारा और भी लोगों अच्छा लगे। तो गाइस मैंने यहाँ पे सब्सक्राइब लिख दिया है सब्सक्राइब और फ्रेंडली हैकर XYZ और दोनों साइड में मैंने लाइक इधर भी लाइक और इधर भी लाइक लिख दी है। और पीछे की तरफ से आ जाते हैं तो गाइस मैंने यहाँ पे प्लीज सपोर्ट मी लिख दिया है। तो गाइस मुझे यहाँ सपोर्ट करें ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा ऐसी। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस यहाँ पे मैंने लिख दिया सब्सक्राइब नाउ फ्रेंडली हैकर XYZ। तो गाइस अब हम अंदर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने फ्रेंडली हैकर XYZ लिख दिया है और ये हमारी मोटर लगा दी है मैंने, यहाँ पे मैंने मोटर लिख दिया है और ये हैंडल है, इसे हम मोड़ के जिधर की तरफ मोड़ेंगे उधर ही ये चलेगा हमारा। और यहाँ पे सब्सक्राइब नाउ मैंने अंदर की साइड में लिख दिया है और ये बैटरी यहाँ पे रखी हुई है तो मैंने यहाँ पे बैटरी लिख दी है और ये मैंने स्विच लगा दिया है और ये पूरा काम। तो गाइस यहाँ पे इंडियन लाइक ये यहाँ पे लिख दिया है और भी एक बार आप और देख लें। हमारा ये अब लॉन्च करने के लिए तैयार हो गया है, अब इसे हम चलाकर देखेंगे। लॉन्च करने के लिए तैयार हो गया है, अब इसे हम तालाब में चलाकर दिखाएंगे आपको। भाई मैं चालू कर रहा हूँ, पानी चटा के कितना है वो वापस आ रहा है। तो ये हमने यहाँ इसको बांध दिया है, डोरी डोरी खोला डोरी। तो भाई ये हमारा चालू हो गया है, तो गाइस ये हमारा अच्छी तरह से ये वर्क काम कर रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उस घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हम आपके लिए ऐसी कमाल की वीडियो लेके आते रहें। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देख सकते हैं मजा आ गया काफी तेज चल रही है। तो अरे यार ज्यादा लंबी ना चला यार, वो तो खींच लेंगे। एक मिनट पल्ला चले आ यार, एक जरा ए ला कछु है रो ना बे एडवर्ड करके निकल ला।
वैसे आप देख सकते हैं ये हमारी नाव कहाँ कितनी दूर आप तालाब के किनारे पहुंचने वाली है। ये मोबाइल से बना रहा हूँ तो काफी अच्छा नहीं आ रहा है। भाई हमारी जो पूरी रील थी वो हमारी पूरी खुल गई है, देख सकते हैं कुछ भी नहीं बचा है, ये धागा था। पहली बार में देखी दी आई हूँ तो अरे बस देख ली जा रही है।